और आपको एक और अपडेट देनी है, बहुत ही खतरनाक, और घर आते ही यहाँ पे चल रहा है पैकिंग का काम। ये देखो ये पैकिंग हो रही है। अब आप सोच रहे होगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ आप लोग चाहते हो, मतलब बस आप गैस करोगे हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो वही जगह का होगा जहाँ आप चाहते होगे हम लोग जाएं, और जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो भी वही होगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जा रहे हैं, रास्ता काफी लंबा होगा, तो हम लोग लेके जा रहे हैं अपने साथ ही जैप का हाइड्रेक्सट्रीम वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर, ताकि हम लोग रास्ते में बोर ना हो। बाकी मैं आपको इसके फीचर बता देता हूँ। जो सबसे पहली बात है, ये जैप जो ब्रांड है ये हमारा इंडियन ब्रांड है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हम अगर इसको बहुत ही ऊपर से भी नीचे गिराते हैं तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ज्यादा। बॉक्स में दिया हुआ है ये जैप का यूजर गाइड दिया हुआ है, और ये पता नहीं ये हमें हैप्पी दिया हुआ है, प्रोडक्ट के कैटलॉग दिए हुए हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जैप के उसमें, और ये हमें दिया हुआ है केबल, इससे हम अपने ब्लूटूथ इसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है गाइस, मैंने यूज़ करके देखा था, उसकी साउंड क्वालिटी तो भाई बहुत ही खतरनाक है। ये वाटरप्रूफ है और स्नो प्रूफ भी है, इसको हम जितने मर्जी डीप पानी में फेंक दें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो गाइस हम ये लेके जा रहे थे कि हम पूरे रास्ते गाने सुनते हो जाएंगे और बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, और ये देखो ये हम गाड़ी में ऐसे हैंग कर देंगे। और गाइस अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, मेरा कोड दीप10 यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसने खरीदना है जल्दी से क्लिक करो और जाके खरीद लो। हमारे पास ये जैप का टचलेस सेफ्टी डिवाइस, इसको ऐसे करके यहाँ पे कुछ भी हैंग कर सकते हैं, डोर को ओपन कर सकते हैं, फ्लश को स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। मतलब आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ मैं, तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे कोरोना के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर मेरा कोड दीप05 यूज करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी से जाओ गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और बाय करो। गाइज हो चुका है हमारा चेकआउट यहाँ से, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन में, और ये देखो लिफ्ट में बंदे हम जा रहे हैं। गाइज हम जा रहे हैं न्यू रूम में, और ये है हमारा न्यू रूम, और रूम बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। प्राइस में अच्छा रूम, बहुत ही अच्छे प्राइस में बहुत ही अच्छा रूम मिला है, बहुत ही अच्छा रूम, मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये देखो ऊपर भी शीशा है, नीचे भी शीशा है, इधर भी शीशा है। मतलब गाइस मैं आपको एक बार बताऊं, जब भी आप शिमला आओ तो पहले 2-3 रूम इधर उधर रूम ढूंढ लेना, देख लेना, परख लेना, फिर जाके रूम लेना, क्योंकि हमने जो कल 4500 का रूम लिया था वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था, बेकार माँ बेकार रूम, नहीं रूम तो ठीक था 4500 के हिसाब से बेकार था, और आज का जो रूम है वो है 2000 रुपीज ओनली, ओनली 2000। अब खुद सोचो 2000 रुपए का रूम ऐसा है, और आप खुद मतलब बताओ कि कल वाला रूम अच्छा था या आज वाला रूम अच्छा है। तो आपको एक और सुजेशन दूंगा कि जब भी आओ तो माल रोड पे है, हाँ, ये बिल्कुल माल रोड के पास है ये होटल। और गाइस आपको एक और सुजेशन देनी है, जैसे कि आप होटल ले रहे हो तो जरूर देखना, क्योंकि जो हमने कल 7000 वाला रूम देखा था वो भी ऐसे ही था, मतलब कोई फर्क नहीं था, बहुत कम, मतलब थोड़ी सी फैसिलिटीज उसमें ज्यादा थी, मतलब अंदर ही जिम था, अंदर ही सब कुछ था, बट वहाँ कौन यूज करता है, एक दिन के लिए गए इतना थके हारे, तो जिम ना यूज किया, ना कोई चीज यूज की, ना स्विमिंग पूल यूज किया इतने ठंड में, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं था। ये जो 2000 का रूम मिला बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है हमको, तो आप भी आओ तो हमेशा 2000 वाला रूम लो। सब कुछ खिलार दिया, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा गाइस दिखता है यहाँ से पूरा व्यू लाइक दिस। तो हम आ चुके हैं टॉप में, तो नहीं टॉप तो उधर है, और ये देखो ऑल ब्लैक। हाउ इज द व्यू ब्रो? द व्यू इज वेरी गुड, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट दिस इज नॉट व्यू। अब खुद सही कर लो गाइस, ग्रामर इंग्लिश जो भी था। वी एक्सपेक्ट एवरीवेयर बर्फ, we expect everywhere barf, barf means ice, ice means jo fridge ke upar lagata hai, yes we expect, but here is loot wo leke nahi pehna tha,
तो ये बोलते मास्क पहन लो वरना पुलिस मुर्गे बना रही है, इनको तो मुर्गा भी बनाया, पुलिस ने मुर्गा बनाया के मुर्गा बना सकता है, मैं ये काट दूंगा। तो कोई भी शिमला आओ तो मास्क जरूर पहनना, इन्होंने अभी अभी खरीदा। कैसा लगा मुर्गा बनके? कैसा लगा मुर्गा बनके? बस पहुंच चुके हैं माल रोड, और माल रोड में बहुत ही ज्यादा रौनक है। और क्या है माल रोड में? बंदे हैं माल रोड में, और क्या होता है? इंसान, चिज्जियां होती हैं, देख लो इनकी शक्ल ध्यान से देखना। और कोई भी थरकी छोकरो थरकी छोकरो आए, अरे बन के मारा मेहमान। जी है माल रोड, और यहाँ की रौनक बहुत ही खतरनाक, एंडलेस सीरलेस। चेक दिस व्यू मैन। किस चीज की चटनी है? जल्दी ये देखो, ये बदतमीज लड़का। गाइस हिल्स में आए और मोमोज ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए मोमोज खाओ, ऐश करो, खाना मत खाओ। मोमोज होते हैं सस्ते, खाना होता है महंगा, खाना होता है महंगा, मोमोज होते हैं छेद पड़ गए भैया कच्चे रास्ते। कुछ बोलना चाहोगे इसकी बात के लिए? बैड मैनर्स, डर्टी फेलो, जो बोल रहा है ना वही सबसे ज्यादा पदोड़ा है। आप ऐसी बातें सुन के पक्का मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे, लेकिन कर दो गाइस, मुझे सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यम्मी, सही है ना? हील्स में आओ और चिकन ना खाओ, ये कभी नहीं होता। मोमोज के साथ चिकन हील्स में आके सबसे ज्यादा मजा आता है। आई नो कोई लोग चिकन नहीं खाते, उनके लिए और दूसरी की प्लेट से खाने का मजा अलग होता है। ये देखो, और ये लेग पीस दूसरों के उससे उठा के कैसा लगा झटका? बोल दे, पहले पता होता ना ऐसा होना। मैं लेग पीस पहले नहीं खाता। ये मोमोज नॉन वेज नहीं थे तभी इनको बकवास लग रहे हैं, मेरे को तो बड़े अच्छे लगे हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगे मोमोज, आय हाय हाय मजा आ गया। गाइस घूमने तो आए थे, लेकिन आज संडे है तो सारे मार्केट बंद है, सब मार्केट बंद है, कुछ अब कहीं पे भी हम विजिट नहीं कर पा रहे, बस ऐसे घूमने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस मैन, यही हो रहा है भैया, बताओ आज क्यों मार्केट बंद है? वो आज संडे है तो कोरोना के करके ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए यहाँ की सारी मार्केट संडे को बंद रखते हैं। तो सैटरडे को खुलता है, सोमवार को खुलता है, क्योंकि सोमवार को सारे अपने अपने घर आधे चल जाते हैं और काम करने चल जाते हैं, डेट्स व्हाई संडे को बंद। ओके बस यही है, अब जा रहे हैं घर, हम पता नहीं कब जा रहे हैं। दीपक भैया, हेलो दीपक भैया, फोन देखना। ये देखो गाइस चोर, ये देखो, वो देखो। ओह शिट, ना भाई ना। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है सेकंड डे का, थर्ड डे की मॉर्निंग की, सेकंड डे की है, सेकंड डे तो कल था, आज थर्ड डे की सेकंड मॉर्निंग है, ये डे थर्ड है, मॉर्निंग सेकंड है। सो गाइस डे थर्ड सेकंड मॉर्निंग, तो हम आज हो रहे हैं तैयार, हम जा रहे हैं अपने घर, तो जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर छोड़ के, इतना अच्छा वेदर छोड़ के, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। सो गाइस तो हम जा रहे हैं घर की तरफ, अब वापसी है आज की, और वापसी में बारिश हो रही है हल्की हल्की जी, बहुत ज्यादा मजा है यहाँ पे, बहुत इंजॉय किया, और बीवी से गाली खाई क्योंकि एक दिन बोला था, तो आज तीसरे दिन जा रहे हैं घर वापस, तो बहुत ही गालियां पड़ रही हैं। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही नजारा ही नजारा। गाइस अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, तो आपसे मिलते हैं आप सीधा घर जाके। गाइस जहाँ हम खाना खाने रुके हैं उसका व्यू शिमला से भी अच्छा है, क्या आप बोलोगे? ये चेक करो, ये हमारा टेबल, और जब हम टेबल से लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो खिड़की से जब हम बाहर जाते हैं तो वो मैन, दिस इज द नेचर। सो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने घर पे वापस, और ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, और सबसे ज्यादा किस्मत खराब एक चीज में रही, वो है कि जब मैं घर आया तो साथ में कहते कि उधर बर्फ़ पड़ने लग गई है कुफरी में, तो हम कुफरी नहीं गए थे क्योंकि वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, तो हमारे वहाँ से निकलते बर्फ़ पड़ने लग गई, तो किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तेजू
ओए तेजू, पापा की किस्मत बहुत खराब चल रही थी, पता है आपको? हाँ जी बोलो। देखा गाइस, जिसने भी हाँ बोल दिया कि पापा की किस्मत चल रही खराब। और आपको एक और अपडेट देनी है, बहुत ही खतरनाक, और घर आते ही यहाँ पे चल रहा है पैकिंग का काम। ये देखो, ये पैकिंग हो रही है। अब आप सोच रहे होगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ आप लोग चाहते हो, मतलब बस आप गैस करोगे हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो वही जगह का होगा जहाँ आप चाहते हो कि हम लोग जाएं, और जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो भी वही होगा। हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम लोग ये बैग पैक करके किधर जा रहे हैं। सोचो सोचो सोचो। लव यू ऑल।